नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजार के सितारे में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और बाजार के सितारे में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पर कमोडिटी बाजार का अपडेट, शेयर बाजार का अपडेट और आपके लिए आज का राशिफल। जानेंगे कि आज आपकी राशियां क्या कहती हैं, आज आपका दिन कैसा गुजर सकता है, आज आप मुनाफा कमाने की स्थिति में रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो कौन सी राशियां होंगी जो शेयर बाजार और कमोडिटी बाजार में आज लाभ कमाने की स्थिति में रह सकती है और किन राशियों को आज ज्योतिष के आधार पर संभल के चलने की ज़रूरत है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, आ गई है एक ऐसी ऐप जिसके द्वारा आप घर से बैठे बैठे बिना एक रुपया खर्च करें पैसा कमा सकते हैं। जी हाँ, सही सुना है आपने, आ गई है एक ऐसी ऐप, चाहे लॉकडाउन लगे या ना लगे, आपकी नौकरी जाए या ना जाए, तब भी आप घर बैठे बैठे अपनी एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। चाहे आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आप एक घर में काम करने वाली गृहिणी हैं। ऐप का नाम है माई बिग ब्लिस ऐप, MYMYBIGBLISS माई बिग ब्लिस। इस ऐप के जरिए आप घर बैठे बैठे पैसा कमा सकते हैं। आपको करना बस इतना छोटा सा काम है, फ़ोन उठाना है, झटपट से इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर पर जाकर, और इस ऐप पर अपना स्टोर बनाना है। स्टोर बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप पहले से ही कोई कारोबार कर रहे हो या फिर आपको कोई कंपनी रजिस्टर करानी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपली आपको अपने स्टोर का नाम तय करना है कि आपको अपने स्टोर का नाम क्या रखना है और आपको उस पर अपने प्रोडक्ट्स चढ़ाने हैं, जो भी प्रोडक्ट्स आप बेचना चाहते हैं। फिर आपका जैसे ही स्टोर लाइव हो जाएगा, आपके पास ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे और आपकी एक एक्स्ट्रा इनकम और जनरेट शुरू हो जाएगी। और इसी के साथ साथ अगर आप पहले से ही कोई बिजनेस कर रहे हैं तो ये आपकी सेल बढ़ा सकता है। ना ही आपको इन्वेंट्री का ध्यान, आपको इन्वेंट्री से लेके GST बिलिंग वगैरह XYZ सब कुछ माई बिग ब्लिस ऐप, ये सारी सुविधाएं माई बिग ब्लिस ऐप आपको उपलब्ध करवाती है। और इसी के साथ साथ शुरुआत कर लेते हैं हम यहाँ से बाजार के सितारे में आज के राशिफल की। राज का राशिफल जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाजार के जाने माने एस्ट्रोमनी गुरु कर्नल अजय जी, जो आपको बताएंगे कि आज राशियों के हिसाब से आज आपका दिन कैसे रह सकता है और कौन सी राशियां लाभ कमाने की स्थिति में रह सकती हैं। कर्नल अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मागीराम सीवी पर। शुभ प्रभात अखिलेश राठी जी एवं मार्केट टाइम्स सभी दर्शक बंधुओं, मैं कर्नल अजय, CEO अजय एस्ट्रोमनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ। आज 10 दिसंबर सन 2021 कारोबारी सप्ताह का अंतिम दिन यानी शुक्रवार। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान, कृषि जींसों के अंदर मसाला पैक के अंदर जबरदस्त विश्लेषण एवं सूचनाएं एवं शेयर बाजार के अंदर की विशेष हलचल निफ्टी और बैंक निफ्टी, और इसके अतिरिक्त बात करेंगे नॉन एग्रो कमोडिटीज की। इससे पहले हम आगे चले, हम आपको बताना चाहते हैं कि पिछले एपिसोड के अंदर हमने शेयर बाजार के अंदर जो स्टॉक्स के बारे में आपसे चर्चा की थी, निफ्टी और बैंक निफ्टी पे चर्चा की थी, वो अक्षर सत्य साबित हुए और निवेशकों ने जबरदस्त लाभ कमाया। इसके अतिरिक्त एग्रो जींस के अंदर भी जो आपसे चर्चाएं की थी वो भी सत्य साबित होती देखी जा रही हैं। इसके अतिरिक्त नॉन बैंकिंग नॉन एग्रो कमोडिटीज के अंदर भी कल की हमारी भविष्यवाणियां सत्य साबित होती देखी गई। जी अखिलेश जी, जी कर्नल जी, जी आज आपसे जानना चाहेंगे कि आज का राशिफल कैसे देखने को मिल सकता है, कौन सी राशियां आज लाभ कमाने की स्थिति में रह सकती है, कमोडिटी बाजार और शेयर बाजार में दिन कैसा रह सकता है राशियों के हिसाब से, और किन राशियों को आज थोड़ा संभल के चलने की जरूरत है। अखिलेश जी, आज का जो राशिफल है उन कारोबारियों के लिए, क्योंकि राशिफल को भी बहुत ध्यान से समझना आवश्यक है, क्योंकि गिरते और चढ़ते बाजारों के अंदर मुनाफा कारोबारी अक्सर गिरते बाजारों के अंदर भी लाभ कमा लेते हैं और चढ़ते बाजारों में भी नुकसान करते हैं। ये सब क्यों होता है, ये आपकी राशियों और आपकी जन्म पत्रिका में ग्रहों का चमत्कार है जो आपको नफा या नुकसान करा देता है। तो भारतीय ज्योतिष के अंदर 12 राशियों को 4 तत्वों में यानी 4 एलिमेंट्स के अंदर विभाजित किया गया है, उसमें अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। और अग्नि तत्व को 3 राशियों का स्वामित्व दिया गया है जिसमें मेष, सिंह और धनु राशि, ये तीनों राशियां त्रिकोण के अंदर हैं। आज इसके अंदर मिश्रित रूप की संभावनाएं बन सकती है, कई बार जल्दबाजी के अंदर आप गेम बिगाड़ सकते हैं, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, विशेषकर 11 से 12 बजे के बीच में रखिए अतिरिक्त सावधानी। 2, 6, 10 ये पृथ्वी तत्व की राशियां हैं यानी वृषभ, कन्या और मकर राशि, आज आपके लिए दिन मुफीद रह सकता है, लाभ कमाने की स्थिति में रह सकते हैं, लिए एक सही निर्णय लेने में आप सक्षम रह सकते हैं, लेकिन 12 से 1 बजे के बीच में आपको रखनी है अतिरिक्त सावधानी।
3, 7, 11 यानी वायु तत्व की राशियां मिथुन, तुला और कुंभ राशि आज आपके लिए दिन अच्छा रह सकता है, लाभ कमाने की स्थिति में रह सकते हैं और कुल मिला के दिन आपका फेवरेबल है। लेकिन 3 से 4 बजे के बीच में रखनी है आपको अतिरिक्त सावधानी। 4, 8, 12 जल तत्व की राशियां हैं यानी कर्क वृश्चिक और मीन राशि, दिन आपके लिए संभवतः मुफीद नहीं रहे, परेशानियां बढ़ सकती हैं। यदि आप नौकरी पेशा वाले व्यक्ति भी हैं तो आप अपने सहकर्मी या सीनियर्स के साथ आपका विवाद बढ़ सकता है और यदि आप कारोबारी हैं तो आप गलत निर्णय की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। बड़े निर्णय से बचना चाहिए और लिए गए निर्णय एक बार पुनः जांच लें तो बेहतर रहेगा। आपको संयम रखना बहुत जरूरी है अन्यथा आए हुए मुनाफे, आए हुए अवसर आप गंवा सकते हैं, विशेष ख्याल रखिए। एक और महत्वपूर्ण बात, सन 1973 में जन्म लेने वाले जो कारोबारी हैं या जातक हैं या व्यक्ति हैं उनको आज अतिरिक्त सावधानी रखनी बहुत जरूरी है, विशेषकर कर्क राशि के व्यक्तियों के लिए, अन्यथा बड़ी परेशानियों में आप फंस सकते हैं। जी अखिलेश जी। जी कर्नल जी, तो ये तो हमने कर्नल जी से जाना था कि आज आपका राशिफल क्या कहता है, किन राशियों में आज अच्छा दिन रहेगा और किन राशियों को आज थोड़ा संभल के चलने की जरूरत है। अब कर्नल जी से जानेंगे कि आज कृषि फसलों का बाजार कैसा देखने को मिलेगा, कौन सी कृषि फसलें आज आपको मुनाफा देंगी। कर्नल जी, सबसे पहले आपसे मसालों के बारे में जानना चाहूँगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि धनिया, मिर्ची, हल्दी कुछ मसाले तो हैं जो हमेशा ही सब्जियों में, खपत में, इस्तेमाल में आते रहते हैं, लेकिन कुछ मसाले ऐसे भी रहते हैं जो जड़ी बूटियों को काम भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे लौंग, इलायची, तेज पत्ता, ऐसे में इन मसालों का, जैसे विंटर सीजन भी आ गया है तो लोग काढ़ा बनाकर भी पीते हैं जिससे सर्दी, खांसी, जुकाम इनसे बचा जा सके, तो ऐसे में आगे अब मसालों में क्या रुझान रहेगा। अखिलेश जी, आपने बहुत सही और उचित सवाल पूछा है। आज मैं सबसे पहले तो आपको जो लौंग के बारे में बताना चाहूंगा कि गरम मसाले के अंदर काफी ये इस्तेमाल होने वाली है और ये लगभग 750 रुपए तक की तेजी इसमें देखी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेजी भी लौंग में बन रही है। इस बार लौंग में मजबूती के आसार बहुत तेजी से बन सकते हैं। कोरोना के चलते हुए भी लौंग में उपभोक्ता की मांग लगातार बढ़ती जा रही है और लौंग की नई फसल आने में भी अभी 2 से 3 महीने का समय बाकी है। इस बीच मिडास्कर की लौंग में आयातक से बात करने पे यह भी पता लग रहा है कि वहां भी तेजी बन रही है। यदि हम मंडियों के भाव देखें तो यदि जयपुर के मंडी के भाव देखें तो ये 750 रुपए प्रति किलो वहां पे बताए जा रहे हैं। उधर मिडास्कर, इंडोनेशिया एवं जंजीबार में लौंग का स्टॉक भी कम बताया जा रहा है। इसी प्रकार श्रीलंका की लौंग में भी काफी बिकवा, वहां पे जो श्रीलंका की लौंग है उसमें भी काफी मात्रा बिक चुकी है और वहां पर भी मौसम प्रतिकूल होने पर वहां भी लौंग की फसलों के की सूचना मिल रही है। तो कुल मिला के लौंग इसमें कमजोरी दिखा सकता है, लौंग बाजारों में लगातार तेजी दर्ज हो सकती है, तो खासकर मसालों के जो कारोबारी हैं उस पर विशेष रखें, ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त लाल मिर्च और काली मिर्च, आपको याद होगा लगातार हम लाल मिर्च और काली मिर्च के अंदर तेजी की बात बता रहे हैं और काली मिर्च की के ऊपर भी हमने चर्चा करते हुए कहा था कि भारत के अंदर जो तीनों राज्य हैं कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, वहां पे भी बेमौसम के तेज चक्रवात और बरसात की वजह से और तूफान की वजह से वहां भी काली मिर्च की फसलों को नुकसान की सूचनाएं हैं, जिसका असर काली मिर्च के अंदर लगातार तेजी पड़ रहा है। लाल मिर्च के ऊपर भी आज मुझे कमजोरी की संभावनाएं, सॉरी मजबूती की संभावनाएं नजर आती हैं। लाल मिर्च के अंदर भी तेजी का रुख रह सकता है। अखिलेश जी, एक और मैं कमोडिटीज पे चर्चा करना चाहूंगा, वो है कॉफी। कॉफी के जो दाम इस साल 10 सालों में सबसे महंगे दर्ज हो चुके हैं। काफी यानी कॉफी की कीमतें में आसमान छू रही हैं। कॉफी के भाव पिछले 1 साल से लगातार तेजी की ओर अग्रसर हो रहे हैं और ये 10 साल के उच्चतम भावों तक पहुंच चुके हैं। और ये भी विशेष ख्याल रखने वाली बात है कि इस साल ब्राजील सहित अन्य देशों में खराब मौसम के कारण कॉफी के उत्पादन के ऊपर भी काफी असर पड़ने की सूचना मिल रही है और बीते हुए 1 साल में मांग में भी भारी बढ़ोतरी यानी तेजी दर्ज हुई है। इसके अलावा पोर्ट पर लंबी कतार से आयात रुका हुआ है, वहीं पर किराए के अंदर भी काफी बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। ट्रांसपोर्ट के में भी परेशानी का कारण भाव रिकॉर्ड ऊंचाई पर है।
कॉमर्शियल कॉफी की कीमतों के अंदर लगभग 100% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज हो चुकी है और इसमें और भी अधिक तेजी की संभावनाएं बन रही हैं। वहीं पर स्पेशलिटी कॉफी की कीमतों में भी 20-30% का तो इजाफा यानी मजबूती दर्ज हो चुकी है, लेकिन इसमें और भी आगे तेजी रहने की संभावना है। इसका असर आदि आप शेयर बाजार पे भी देखें तो टाटा कॉफी के दाम जो स्टॉक है उसके अंदर भी तेजी दर्ज हो रही है और आज टी और कॉफी स्टॉक्स के अंदर भी यानी शेयर्स में भी उसके अंदर भी तेजी बने रहने की संभावनाएं बन सकती हैं। जी अखिलेश जी। जी कर्नल अजय जी, तो जैसे कि कर्नल अजय जी ने बताया कि काली मिर्च, लाल मिर्च और कॉफी और लौंग, इन चारों में आज तेजी की संभावना बनती नजर आ सकती है एग्रो के अंदर। कर्नल अजय जी, यहीं से बात करें अगर नॉन एग्री की, तो नॉन एग्री में क्या लगता है, सोना चांदी में कैसा रुझान रहेगा? देखिए, कल बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी बुलियन पैक में दिखाई दी और तेज उठाक पटक इतनी तेजी थी कि भाव कहीं एक जगह रुक ही नहीं रहे थे। लेकिन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आज संभवतः बुलियन यानी सोने चांदी के अंदर निचले स्तर पर तेजी की संभावनाएं बन सकती है और इसको आज खरीद कर चला जा सकता है। जी अखिलेश जी। जी, तो यानी कि सोने चांदी में कर्नल अजय जी के मुताबिक आज निचले स्तर पर खरीदारी देखने को मिल सकती है। कर्नल अजय जी के मुताबिक सोने चांदी की कीमतों में आज बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, कुछ रिकवरी बनती नजर आ सकती है। इसे कर्नल अजय जी बात करें अगर शेयर बाजार की, तो शेयर बाजार में हमने कुछ वॉलेटिलिटी भी आते देखी है, निचले स्तर भी आते देखे हैं, अभी हाल फिलहाल में शेयर बाजार गिरता भी नजर आया है। तो ऐसे में आज ज्योतिष के आधार पर और आपके एनालिसिस के आधार पर आज शेयर बाजार में कितनी मंदी तेजी देखने को मिल सकती है और वो कौन से शेयर होंगे जिनके अंदर आज आपके अनुसार मुनाफा देखने को मिल सकता है? अखिलेश जी, आज मुझे लगता है कि भारतीय शेयर बाजार के अंदर तेज उठाक पटाक यानी तेज उतार चढ़ाव रहने की संभावना है और उछली जैसे ही बाजार बढ़ता है तो उसको बेचने में ही यदि निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर यदि आप नजर डालें तो वहां पे मुझे कमजोरी की संभावना नजर आ रही है। और एक और मैं कदम आगे बढ़ के ये कहना चाहता हूं कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी हमेशा से आपको अग्रिम संकेत दे देती है, अग्रिम अनुमान दे देती है ताकि निवेशक उस पर मनन और अध्ययन कर सके और उसके बाद सही डिसीजन लेने में उसमें मदद मिल सकती है। मुझे लगता है कि शेयर बाजार के अंदर यदि हम देखें, थोड़ा सा फंडामेंटल भी देख लें, तो पिछले लगभग 1.5 से 2 महीने के अंदर FI यानी विदेशी संस्थागत निवेशक लगातार माल बेच रहे हैं और DI यानी जो घरेलू संस्थागत निवेशक हैं वो उतनी मात्रा में खरीद नहीं पा रहे हैं। तो कुल मिला के लगातार FIs का पैसा निकालना ये बाजारों के अंदर गिरावट की संभावनाएं दिखाता है। इसमें एक और विशेष बात मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा दर्शकों के लिए, देखिए कि जब पहले FIs माल निकालते थे या बिकवाली करते थे तो बाजार बहुत तेजी से नीचे गिरते थे, लेकिन कोरोना के COVID-19 के प्रभाव से कह लीजिए या बाकी उद्योग धंधों पे के अंदर परेशानी की वजह से कह लीजिए कि पिछले साल से 1.5 साल के अंदर जो घरेलू रिटेल निवेशक हैं यानी छोटे निवेशक हैं, रिटेल निवेशक हैं, वो लगातार तेजी से बाजारों में बढ़ रहे हैं और डीमैट अकाउंट के अंदर भी हर महीने बड़ी तेजी से इजाफा हो रहा है और उसी का नतीजा है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा बड़ी बिकवाली के बावजूद भी आज भारतीय बाजारों में बहुत बड़ा पैनिक नहीं है। ये एक सकारात्मक इकोनॉमी और सकारात्मक निवेश की तरफ इशारा करता है। और अब सवाल होता है कि अब क्या करना चाहिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर मुझे कमजोरी की संभावनाएं आज भी नजर आ रही हैं और इसके अतिरिक्त अगले सप्ताह बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर कमजोरी की संभावनाएं जारी रह सकती है। ये विशेष विश्लेषण मैं मार्केट टाइम्स के सभी दर्शकों को फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर प्रस्तुत कर रहा हूं। उम्मीद है कि इसका भरपूर लाभ उठाया जा सकेगा। और जहां तक स्टॉक्स का सवाल है, मुझे लगता है कि पीडीलाइट इंडस्ट्री, क्योंकि आज मैं मार्केट लीडर्स के साथ ही जाना चाहूंगा,
एक पिडिलाइट इंडस्ट्री जिसका फेविकोल नाम का एक ब्रांड है वो मार्केट लीडर के रूप में जाना जाता है और सबसे ज्यादा मार्केट शेयर इसी कंपनी के पास है। पिडिलाइट इंडस्ट्री पे नजर रखना चाहूंगा। इसके अलावा एशियन पेंट्स जो है पेंट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा काउंटर है, इसके ऊपर भी मैं नजर रखना चाहूंगा। एशियन पेंट के ऊपर भी आज तक तेजी बन सकती है। इसके अतिरिक्त कुछ तेजी, जैसे मैंने आपको कहा कि कॉफी यानी टी कॉफी के जो भाव हैं वो काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और इसके अंदर इंटरनेशनल ब्रांड हमारे पास जो है वो टाटा कॉफी के रूप में मौजूद है, तो मुझे लगता है कि उसके भावों में भी तेजी बन सकती है कि कॉफी की तेजी की का फायदा टाटा कॉफी जैसी कंपनियों को मिल सकता है। इसके अतिरिक्त टी कंपनी है, चाहे मैकडल रसल है या आसाम की कंपनी है, इनके अंदर भी तेजी बन सकती है, इसके अंदर नजर रख सकते हैं। इसके अलावा फुटवेयर स्टॉक जो है, लेदर स्टॉक जो खासकर लिबर्टी है, खादिम है और बाटा इंडिया जैसी कंपनियां हैं, इन कंपनियों पर भी नजर रखी जा सकती है। यहां पर भी तेजी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर नजर रखते हैं, मुझे लगता है कि उसमें मंदी आ सकती है, उसमें मुनाफा वसूली हो सकती है और बैंकिंग स्टॉक से थोड़ा सा बचना चाहिए क्योंकि सबसे पहले मंदी का असर बैंकिंग स्टॉक्स पे पड़ता है, चाहे वो HDFC हो, ICICI हो या फिर SBI हो या फिर छोटे और मझोले बैंक हो। ये अखिलेश जी। जी अखिलेश जी, तो कर्नल अजय जी के मुताबिक आज टी कॉफी के स्टॉक्स के अंदर पीडिलाइट और एशियन पेंट्स के स्टॉक्स पर आज आप नज़र बनाकर रख सकते हैं हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो कुछ ऐसा रह सकता है आज आपका राशिफल कम्युनिटी बाजार और शेयर बाजार। फिलहाल बाजारों के सितारे में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आपका एंजॉय करें क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यहीं बना रहेगा मार्केट एमसीवी पर।